एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का नाश्ते का नाम आते ही हम सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आज हम क्या बनाएं। तो आज मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी चार तरीके के बहुत ही इजी, क्विक और सिंपल ब्रेकफास्ट रेसिपी, जिसे आप कम इंग्रेडिएंट से जल्दी से फटाफट सुबह के टाइम पर जब भागदौड़ होती है और कुछ समझ नहीं आता, तब आप जल्दी से ये चार तरीके के स्नैक्स बना सकते हैं। बनाना भी आसान, समय भी कम लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं फोर क्विक एंड इजी स्नैक्स रेसिपी। सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ एक क्विक और हेल्दी सेवई डोसा, एक यूनिक स्टाइल की रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एक बोल लीजिए और बोल में हम डालेंगे अपनी भुनी हुई सेवई। अगर भुनी हुई नहीं है तो आप उनको ड्राई रोस्ट तवे पे कर लें। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप सूजी, आधा कप चावल का आटा, करी पत्ता, नमक स्वाद अनुसार, अदरक हरी मिर्च बारीक कटे हुए। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। अब इसमें हम डालेंगे दही, जो इसको बहुत अच्छा फ्लेवर और बाइंडिंग देगा। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका हमें बैटर तैयार करना होगा, बिल्कुल डोसे के बैटर की तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे। बिल्कुल बैटर जैसे कंसिस्टेंसी का होता है, बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी का हमें इसको तैयार करना होगा। और ये देखिए, मैंने बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार कर लिया है। लगभग इतना क्वांटिटी में 3/4 कप पानी लग गया है। और अब इसको हम 15 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे, जिससे कि सेवई और सूजी सभी अच्छी तरीके से फूल कर इसमें सेट हो जाएं। 15 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, बैटर बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छी तरीके से सारी ही चीजें फूल गई हैं और हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है, जैसे डोसा बैटर होता है बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी का। अगर आपको थोड़ा थिक लगे तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। ये वाला डोसा थोड़ा सा, जो जनरल डोसे होते हैं उनसे थोड़ा थिक बनता है, यानी थोड़ा सा मोटा बनता है। सबसे पहले गैस पर एक नॉनस्टिक पैन चढ़ाएंगे, गैस ऑन करेंगे, तवे को हल्का गर्म होने देंगे। अगर आप नॉनस्टिक की जगह पर अपना दूसरा कोई आप तवा यूज कर रहे हैं तो उसको आप सीजन कर लें। तवा लोहे का सीजन किस तरह किया जाता है, यानी उसे नॉनस्टिक कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ और मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है कि आप लोहे के तवे पर डोसे कैसे बनाएं। उस वीडियो को आप जरूर देखिए, उसमें मैंने सारे मेथड बताए हैं कि लोहे के तवे को आप नॉनस्टिक जैसा कैसे बना सकते हैं। बहुत ही कम ऑयल में हमारा ये डोसा तैयार हो जाएगा। एक बूंद आप ऑयल डालिए, तवे को थोड़ा सा ग्रीस कीजिए। एक टिप मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको लग रहा है कि जो आपने डोसा डाला है वो पहला वाला उतना अच्छा बढ़िया बाजार जैसा नहीं बन करके आया है, या वो उसमें वो रंगत नहीं आई है, तो आप एक पहले मोटा डोसा डालें और उसको उतार लें, या फिर आप बेसन घोल करके एक मोटा चीला टाइप डाल लें और उसको उतार लें, उसके बाद आप डोसा डालें, आपका डोसा बढ़िया आएगा पहले वाले की अपेक्षा। तवा गर्म हो गया है, इसमें से हीट आ रही है, फ्लेम को अब हम लो कर देंगे और हम बैटर को डालेंगे। जिस तरीके से हम डोसा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, लैडल फुल लगभग, और एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से घुमाएंगे। और मैंने जैसे बताया कि इसको हमें पतला नहीं बनाना है, क्योंकि इसमें सेवइयां हैं तो ये थोड़ा सा थिक बनेगा, पर बहुत ही टेस्टी बनता है ये। एकदम जबरदस्त फ्यूजन रेसिपी है, बच्चों से लेकर बड़ों तक को बहुत अच्छा लगेगा खाने में। इस तरीके से हम फैला लेंगे और बहुत ही थोड़ा सा कुछ बूंद ऑयल इसके चारों तरफ डालेंगे और जरा सा बीच में। अब इसको अच्छी तरीके से नीचे से मीडियम फ्लेम पर 1.5 मिनट के करीब सिकने देंगे। अब ये देखिए, डोसा खिसक रहा है, इसका मतलब कि ये नीचे से सिक गया है। तो इसको पलट कर चेक करते हैं। वाव, बहुत ही बढ़िया सिका है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से नीचे से भी 1 मिनट के करीब इसको सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो नीचे से भी चेक कर लेते हैं, ये अच्छा सिक गया है। ये देखिए, इसमें अच्छा कलर आ गया है। अब इसको गैस को लो करके इसको करते हैं फोल्ड और इसको निकालते हैं प्लेट पर। और ये देखिए कितना बढ़िया डोसा तैयार हो गया, वो भी इतनी जल्दी और एक नए स्टाइल का। थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 2 मिनट नीचे से सिकने देंगे। दूसरा डोसा भी मैंने इसी तरीके से सेक लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आ गया है।
इसको कर लेते हैं फोल्ड और उतारते हैं प्लेट पर। तो ये लीजिए, सवाई डोसा बन करके बिल्कुल तैयार है। अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड रिंग। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही डिलीशियस ब्रेड रिंग्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ब्रेड क्रम। ये मैंने 6 ब्रेड की स्लाइसेस को मिक्सी में क्रम बना लिया है पीस करके। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ अनियन, प्याज लगभग 2 टेबलस्पून हम डालेंगे, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ पालक, 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई गाजर, 1 छोटी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का मैंने यहाँ पेस्ट लिया है। ये मैंने यहाँ लिया है 1/4 कप के करीब 1/4 कप चावल का आटा, 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच मल्टीपर्पज रोस्टेड मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। ये मेरा होममेड चाट मसाला है, इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। अब इन सभी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी सभी चीजें ड्राई हैं, इनकी बाइंडिंग नहीं हो सकती, इसीलिए अब इसमें हम डालेंगे लगभग 4 चम्मच यानी 1/4 कप के करीब पानी, पर थोड़ा थोड़ा करके। पहले चेक करेंगे जितनी पानी की हमें जरूरत होगी उसी के अनुसार हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। डो बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो अब हम इसकी तैयार करते हैं रिंग्स। रिंग बनाने के लिए इस तरीके से आप इसका मिक्सचर का छोटी बॉल लीजिए, इस तरीके का पेड़ा टाइप, हाथ से दबाइए, एक सार कीजिए। अब इस तरीके से मैंने जो तैयार की है रिंग ब्रेड की, अब इसको हम एक लेंगे ढक्कन, इस टाइप का कोई भी ले लीजिए बॉटल का आपके घर में जो भी हो, और इसको बीच में रख करके इसे डोनट वाली शेप देंगे जिससे कि एक रिंग तैयार हो जाए। इस तरीके से इसको निकाल लेंगे, ये देखिए कितनी बढ़िया रिंग तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारी रिंग्स को तैयार कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारी रिंग्स तैयार कर ली हैं, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है देखने में। बस अब इसको हम करते हैं फ्राई। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल और उसके बाद हम ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। मैंने एक छोटा पीस डालकर देखा है, ऑयल बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। और सुनहरा होने तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ऑयल को हमें अच्छा गर्म रखना है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें लो नहीं करना है, मीडियम टू हाई के बीच में रखना है। अब हम एक स्पून से टर्न कर देते हैं, ये देखिए पीछे से अच्छा कलर आ गया है, बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। तो अब इन रिंग्स को हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं ब्रेड रिंग्स बिल्कुल बनकर के तैयार हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी मुरमुरा बॉल्स। क्रिस्पी मुरमुरा बॉल बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप मुरमुरे, मुरमुरे यानी जिसे हम पफ्ड राइस भी बोलते हैं, ये मैंने ली है आधी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, ये मैंने ली है 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 प्याज बारीक कटी हुई। इसमें हमें अब डालना होगा लगभग 2-3 चम्मच 2-3 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून में डाल रही हूँ सूजी यानी रवा, डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच चाट मसाला, ये मेरा होममेड चाट मसाला है, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला जो इसको बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा, 1/4 टीस्पून यानी पिंच के करीब मैं यहाँ डाल रही हूँ हल्दी जो इसको अच्छा कलर देगी, 1 छोटी चम्मच में नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक को डालें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून फुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 आलू, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये कच्चा आलू है, उबला हुआ नहीं है। अब सभी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से सभी चीजों को मैंने मिला लिया है और आप देख सकते हैं हल्का सा ड्राई हो रहा है। तो हम यहाँ पर बहुत ही थोड़ा लगभग 1 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करेंगे, सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मैंने अच्छी तरीके से सभी चीजों को मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा इसका हिस्सा लेकर के इस तरीके की गोल बॉल्स तैयार करेंगे। देखिए मैंने क्रिस्पी मुरमुरा बॉल्स बिल्कुल तैयार कर ली हैं। अब इनको करते हैं हम डीप फ्राई। सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और ऑयल डालकर हम उसको गरम करेंगे। अब अच्छे गरम तेल में हम बॉल्स को डालेंगे।
अब फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में करके इसको धीरे धीरे हम फ्राई करेंगे। अब उलट पलट करते हुए हम इसको फ्राई करेंगे, तो एक चम्मच को उल्टा करके धीरे धीरे इनको पलटेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया मुरमुरा बॉल्स में कलर आ गया है और कितनी सुंदर ये लग रही है। ये लीजिए क्रिस्पी मुरमुरा बॉल्स बिल्कुल तैयार। अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पनीर सिगार, जिसको आप ब्रेड पनीर रोल्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पनीर ब्रेड सिगार यानी पनीर ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल लेंगे, और बोल में मैं डाल रही हूँ 1 कप पनीर। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। 1/2 छोटे चम्मच में डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ी चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर स्वाद के अनुसार, 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच में डाल रही हूँ टोमेटो केचप यानी टोमेटो सॉस, 1 छोटी चम्मच में डाल रही हूँ हरी चटनी। अब सब चीजों को हम अच्छी तरीके से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। पनीर वाला मिक्स बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब तैयारी करते हैं ब्रेड स्लाइस की। पनीर ब्रेड सिगार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है सैंडविच ब्रेड की 6 स्लाइस। आप ब्रेड कोई भी ले सकते हैं। सबसे पहले एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और उसकी एजेस को हम कट कर देंगे। इसी तरीके से सारी स्लाइसेस को हम तैयार कर लेंगे। मैंने सभी ब्रेड स्लाइस के एजेस को कट कर लिया है। अब हम एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और हम लेंगे रोलर पिन यानी बेलन, और रोलर पिन की मदद से इसको हम हल्के हाथ से बेलेंगे। इसको फ्लैट करेंगे। इस तरीके से फ्लैट करके हमने जो स्टफिंग ली है इसका थोड़ा हिस्सा इसमें हम स्टफ करेंगे। इस तरीके से हम लंबाई में स्टफिंग को कर लेंगे, ब्रेड के किनारे पर इस तरीके से रखेंगे। चारों एजेस पर हम पानी लगाएंगे हल्का सा, उंगली को डिप करके थोड़ा सा पानी लगाइए जिससे हम इसको स्टिक कर पाए। अब इसको धीरे से हम रोल बनाएंगे हल्के हाथ से। देखिए इस तरीके के सारे सिगार्स हम पनीर के तैयार कर लेंगे। मैं सभी को इसी तरह तैयार करती हूँ। और ये देखिए मैंने सभी पनीर ब्रेड सिगार्स तैयार कर लिए हैं और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब इसको हम हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे, थोड़ा सा बटर डालेंगे। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी का भी कर सकते हैं, और बटर को इस तरीके से पैन पर स्प्रेड कर देंगे। बच्चों को बटरी फ्लेवर अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये बटर में रोस्ट कर रही हूँ। अब धीरे धीरे से एक एक सिगार को इस तरीके से इस पर चारों तरफ से हम गोल्डन होने तक सेकेंगे। हल्का हल्का सा बटर इसके ऊपर भी लगा देते हैं। एक टोंग की मदद से या स्पून से धीरे से आप इसे टर्न कर दीजिए। चारों तरफ से अच्छे से इसमें इस तरीके का रोस्टिंग कलर आने दें। मीडियम फ्लेम पर ही आपको इसको अच्छे से सेकना है। और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। मैं सभी को धीरे धीरे प्लेट पर निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से दूसरे बैच के हम रोस्ट करेंगे। तो ये लीजिए पनीर ब्रेड सिगार्स बिल्कुल तैयार है। तो ये थे 4 तरीके के सिंपल इजी क्विक स्नैक्स, जो बच्चों को भी पसंद आते हैं और बड़ों को भी। तो जरूर ट्राई कीजिए। जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो झटपट बनाइए ये नाश्ते। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास ही में बनी बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।